दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने त्योहारों से पहले श्रमिकों को बड़ा तोहफा दिया है। श्रमिकों ने न्यूनतम वेतन में सरकार ने इजाफा करने का ऐलान किया है। सीएम अतिशी ने कहा कि 2013 में अनस्किल्ड लेबर का न्यूनतम वेतन 7,722 रुपए था, अब 18,066 कर दिया गया है। इसके साथ ही सेमी स्किल्ड लेबर का न्यूनतम वेतन 19,929 और स्किल्ड लेबर का न्यूनतम वेतन 21,917 कर दिया गया है। सीएम आतिशी ने कहा कि पिछले 10 साल में पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली के लोगों की सहूलियत देने के लिए काम किया गया है। दिल्ली के लोगों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार ने लगातार काम किया है। सरकार ने श्रमिकों के न्यूनतम वेतन को अधिकतम तक पहुंचाया है। अगर आप देश भर की मिनिमम वेजेस, जो न्यूनतम वेजेस होती हैं, वो देखने चाहिए, तो अरविंद केजरीवाल जी की दिल्ली सरकार ने देश में हाईएस्ट मिनिमम वेजेस दी है। आखिरकार मिनिमम वेजेस कौन लेता है? मिनिमम वेजेस वो लोग लेते हैं जो गरीब हैं, जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, जो हो सकता है कंस्ट्रक्शन पे काम करते हो, प्लम्बर का काम करते हो। उनका शोषण रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने ऐतिहासिक स्तर पर मिनिमम वेजेस को पहुंचाया है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा गरीब विरोधी काम किया है और हम इसे दो तरीके में देख सकते हैं। सबसे पहली बात, जब दिल्ली की सरकार ने, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने 2016-17 में मिनिमम वेजेस बढ़ाने की बात करी, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने एलजी साहब के माध्यम से रोका। तब मिनिमम वेजेस बढ़ाने के लिए दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार, कोर्ट से ऑर्डर लेकर आई और ये जो इंक्रीज इन मिनिमम वेजेस था उसको इंप्लीमेंट करवाया।